मेरे पीछे इस ट्विन टावर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त मलेशिया में हैं और मलेशिया में मौका है मोटो जीपी का। मोटो जीपी यानी दुनिया में बाइक रेसिंग का सबसे बड़ा आयोजन। इस रेस का सारा एक्शन हम आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही बताएंगे वो सारी दिलचस्प बातें जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। मोटर स्पोर्ट्स म्यूजिक और साथ में ग्लैमर का तड़का भी। यह है मलेशिया का सेपांग इंटरनेशनल सर्किट, जहां बाइक रेसिंग के शौकीन पूरी दुनिया भर से यहां पर राइडर्स का जलवा देखने के लिए आए हैं। मेरे साथ जो बाइक आप यहां देख रहे हैं वो टीम रेपसोल की बाइक है और इसके राइडर मार्कस लगातार इस बाइक को चलाते रहे हैं। कान फोड़ू आवाज, पलक झपकते ही सामने से गायब हो जाने वाली रफ्तार, अपने फेवरेट राइडर के लिए चिल्लाते फैंस और कॉर्नर पर 45 डिग्री से ज्यादा तक झुकने वाली स्पोर्ट्स बाइक्स देखकर धक धक करते दिल। मौका था मोटो जीपी यानी दुनिया की सबसे तेज बाइक रेस का, वर्ल्ड चैंपियन बनने की होड़ का, और रफ्तार थी औसतन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की। भारत में तो फॉर्मूला 1 की विदाई के साथ साथ मोटो जीपी आयोजित होने वाली उम्मीद भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मलेशिया जैसे देश में न सिर्फ ये उम्मीदें सालों से परवान चढ़ रही हैं, बल्कि बाइक रेस के प्रति वहां के फैंस का जुनून फॉर्मूला 1 की दीवानगी तक को पीछे छोड़ चुका है। हर कोई रफ्तार के इस रोमांच में जैसे डूब जाना चाहता था। You love MotoGP? Oh, I love my, we come from all the way from Australia just to be here. Oh, how was your experience today? Enjoyed it, right, lovely. Oh, shouldn't have, should I? Thank you. Unbelievable. I've never been here before, but I'd come back anytime. Unbelievable. It was good, I really liked it. Motor sports mein, MotoGP mein jo Honda ka involvement hai, usko aap kis tarah se dekhte hain? हम जनरली होंडा में ये कहते हैं अगर होंडा रेस नहीं करेगा तो ये होंडा नहीं है। होंडा का बेसिक डीएनए जो फाउंडर सोइचिरो सान है उन्हीं का भी रेसिंग स्पिरिट था और ही ऑलवेज वांटेड कि हम एक्सट्रीम लेवल के ऊपर होंडा की जो टेक्नोलॉजी को शोकेस करें और फन भी है और साथ साथ सेफ्टी को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रेसिंग करके और जो भी लर्निंग रेस ट्रैक से आती हैं उसको रोड वाली मशीन्स में कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि जनरल जो कस्टमर है जो ज़्यादातर होंडा की गाड़ियाँ यूज़ करता है वो भी वो टेक्नोलॉजी को अपने छोटे स्केल पे एक्चुअल रोड जो रोड कंडीशन में जो गाड़ियाँ मास प्रोडक्शन की बनती हैं उसमें वो एक्सपीरियंस कर पाए। स्टार्टिंग थोड़ा टफ था, जब मोटर स्पोर्ट्स का सीज़न शुरू हुआ तो हमारे पास ज़्यादा पोडियम और पॉइंट्स नहीं थे, बट उसके बाद मार्केस की जो बैक ही वॉज बैक इन टू हिज टोटल स्पिरिट। एशियन फैंस से लेकर यूरोपियन फैंस तक, 6 महीने के छोटे से बच्चे से लेकर 60 साल के बुजुर्ग तक, पूरी दुनिया में बाइक रेसिंग के जो शौकीन हैं उनका मेला यहाँ मलेशिया के सेपांग इंटरनेशनल सर्किट पर देखा जा सकता है। इसी जुनून का हिस्सा बनने के लिए मोटोजीपी के इर्द गिर्द कई तरह की गतिविधियों का अंबार लगा था। माहौल बिल्कुल मेले जैसा था, कई तरह की स्पोर्ट्स रेस लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। होंडा ने बाइक्स और बाइक रेसिंग के प्रमोशन के लिए मलेशिया में एक अनूठे तरह का आयोजन किया। उसने एशिया के 5 अलग अलग देशों से राइडर्स को यहाँ बुलाया और मलेशिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरह के ट्रैक्स पर एडवेंचरस राइड आयोजित की। इस अनूठी रेस होंडा एशियन जर्नी 2017 में भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम के राइडर्स ने शिरकत की, जिसके तहत राइडर्स ने न सिर्फ 4 दिन तक मलेशिया की सड़कों और ट्रैक पर स्पोर्ट्स बाइक्स का जलवा बिखेरा बल्कि मोटो जीपी के रोमांच का लुत्फ भी उठाया। इस स्पोर्ट्स बाइक में शामिल थी करीब 33 लाख रुपए की गोल्ड विंग और 1 करोड़ रुपए से भी महंगी होंडा RC 213 VS।
जो रेसिंग का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप्ड वर्ल्ड में काफ़ी सालों से ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, खासकर यूरोप और अमेरिका, इसमें बात करें और आशियन कंट्रीज में भी ये बढ़ रहा है, बट अभी एज फार एज इंडिया इज कंसर्न तो हम काफ़ी पीछे हैं इसमें। और उसके ये भी कारण है कि हम रेसिंग के अंदर अवेयरनेस, जो स्पेशली टू व्हीलर राइडिंग है, एक तो हमारे वहाँ ट्रैक लिमिटेड है चेन्नई और कोयम्बटूर में, अब BIC भी नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में आया है, बट अवेयरनेस लेवल भी बहुत कम है। तो एशिया रोड जर्नी जो ये हमारी मलेशिया होंडा की तरफ से लीड किया गया है, और इसमें है कि हम जितनी भी आशियन कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिलीपींस और इंडिया, यहाँ के जो मेन ऑटो जर्नलिस्ट राइडर्स हैं, करीब करीब 50 राइडर्स हैं, उनको हम यहाँ पर लाए हैं। होंडा की 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो सुपर बाइक रेंज की हैं, 500 सीसी से लेके 1800 सीसी की बाइक्स, उन सभी बाइक्स को वो एक्सपीरियंस किए हैं। और 25 तारीख से ये एशिया रोड रेसिंग चैम्पियन एक्सपीरियंस, एशिया रोड रेसिंग रोड जर्नी ये शुरू हुआ था, इसको हम HAJ बोल रहे हैं, होंडा एशिया जर्नी। इसको लगभग 570 किलोमीटर मलाका एरिया मलेशिया से शुरू होके और आज यहाँ सेपांग सर्किट के ऊपर ये ख़त्म हुआ है। करीब करीब 570 किलोमीटर इन राइडर्स ने डिफरेंट होंडा की मशीन्स को एक्सपीरियंस किया है रोड्स के ऊपर। दूसरी तरफ बाइक रेसिंग के लेजेंड और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के माइक दुहन ने सेपांग में खास बातचीत में कहा कि रोमांच अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है सेफ्टी। You know, street, unfortunately, it's not only just the riders on the street, you've also got the cars. So the biggest safety advice I could give is just to be very, very cautious, you know, because you've always got to take in the big picture as you do on the racetrack. You've got to look at everything. You've got to be well ahead of the bike. You know, if you're sitting there and daydreaming, so many things can go wrong. But on the road, you've got cars, you've got potholes, you've got different conditions, oil, water. So you just need to be alert and you need to stay focused. And remember, you may not think you're going very fast, but honestly, you can lose a leg, hit your head on the ground at even 20 kilometers an hour and do some major injuries, as I say, and fatalities are a real occurrence or a real possibility at any speed. तो चलिए, रफ्तार के रोमांच का ये कारवां तो चलता ही रहेगा। तो सी यू नेक्स्ट ईयर, तब तक खूब चलाओ, सेफ चलाओ।